सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ काफी ज्यादा न्यू फिश लाने, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको हमारे पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि हमारे कुछ फिश की डेथ हो गई है, तो इनके लिए हमें करने इनके पार्टनर कंप्लीट। तो चलते हैं, आज काफी अच्छा दिन है वैसे भी, और भाई ने हमें कमेंट भी किया था कि आप एक फुल ऑरेंज कलर का कोई काप भी लाएं, तो वो भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मिलते हैं तो काफी अच्छी बात होगी। तो मैं इसी साइज का एक कोई काप लाने वाला हूँ आज, वैसे भी कोई ना कोई तो मैं लेके आने वाला हूँ, एंड साथ में हम अपने टिन फॉइल के पार्टनर भी लाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, एंड वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं फिश शॉप एंड वहां पे देखते हैं कि कौन सा अच्छा फिश हमें मिल पाता है। तो यहाँ पे भाई हम घर वापस आ चुके हैं, एंड आपको दिख रहा होगा एक काफी ज्यादा बड़ा बैग, एंड इसके अंदर आपको फिश भी काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा। तो ये फिश है भी काफी ज्यादा बड़ा एंड है भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, तो इसको आपका रेट भी बाद में दिखाऊंगा एंड इस फिश को भी आपको बाद में दिखाऊंगा। बट अभी तक आप गैस कर सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा फिश आपको ये दिख रहा है। एंड बाकी हम यहाँ से अपने मोलीज को निकाल लेते हैं, क्योंकि इनको रखना है हमने अपने DIY फिश पॉन्ड के अंदर। तो इनको छोड़ते हैं भाई बाहर, और ये रहे भाई हमारे काफी सुंदर से मोली फिशेस। तो इनको छोड़ते हैं भाई यहाँ पे बाहर, क्योंकि इनको मैं रखने वाला हूँ बिल्कुल नेचुरल माहौल में, ताकि यहाँ पे अच्छे से ब्रीड करें एंड इनके काफी ज्यादा बेबीज आए इन फ्यूचर। तो छोड़ते हैं इनको एक्लिमेशन के लिए। तो भाई हो चुकी है इनके 15 मिनट्स कंप्लीट, तो अब इनको निकालते हैं बाहर एंड आपको भी दिखाता हूँ मैं भाई इन फिशेस में मेल एंड फीमेल डिफरेंस कितना ज्यादा मुश्किल होता है करना, क्योंकि ये बिल्कुल आपको एक ही तरह के दिखेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं इनको निकाल लेता हूँ बाहर। तो यहाँ पे लगाते हैं धीरे से कट। तो चलिए भाई अब इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे मेल फीमेल का डिफरेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आपको मैं दिखा दूं, ये रही एक प्रेग्नेंट फीमेल, इसका तो मुझे किसी को भी लग जाएगा पता, क्योंकि इसका बैली साइज आप देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया है एंड ये काफी जल्दी बेबीज को करने वाली है बर्थ। तो इसके बेबीज के लिए मैं कुछ अलग सा इंतजाम करने वाला हूँ इस बार। तो बाकी आपको मैं यहाँ पे मेल दिखा दूं, तो ये रहा भाई मेल, बिल्कुल फीमेल की तरह, बट इसका कलर आप देख सकते हो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, तो आप इनका डिफरेंस कर सकते हो एंड इनके डोर्सल फिन से। तो चलिए अब इनको करते हैं पॉन्ड के अंदर शिफ्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो मेल है मेरे पास एंड चार फीमेल्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा होंगी तो बेबीज भी ज़्यादा आएंगे। तो चले इनको छोड़ते हैं भाई अब पॉन्ड के अंदर एंड अब देखते हैं हमारे पॉन्ड का नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा हो चुका होगा। तो ये देख सकते हो भाई सभी फिश हमारे इनको देखने के लिए बाहर आ चुके हैं एंड बिल्कुल भरा भरा लग रहा है हमारा पॉन्ड। वैसे कितना ज़्यादा खाली लगता है जब भी मैं वीडियो में दिखाता हूँ आपको, तो बट अब आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ये भरा हुआ लग रहा है एंड वाइट में भी मोलीज अभी मैं लाने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक मैं थोड़े से फिश लेके आया हूँ यहाँ पे, अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखने वाला हूँ। और चलते हैं भाई अब हमारे कोई फिश पॉन्ड की तरफ, क्योंकि उसका भी आपको भाई अपडेट दे दें, वो भी काफ़ी देर से वहाँ पे रखा हुआ है मैंने। तो चले भाई अब इसको निकालते हैं इस कैद से बाहर एंड छोड़ते हैं इसको इस बड़े से खुले से पॉन्ड के अंदर। तो ये देख सकते हो भाई बैग भी कितना ज़्यादा भारी है भाई, ये एक हाथ से थोड़ा उठाया भी नहीं जा रहा है। तो इसको रखते हैं भाई यहाँ पे एंड अब आपको दिखाते हैं काफ़ी अच्छे से इसको बाहर निकाल के। तो ये देखें भाई ये कितनी ज़्यादा सुंदर फिश है, और ये है हमारी बटरफ्लाई कोई काप। तो इसी की तरह का एक फुल ऑरेंज भी था, बट वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा पिंकिश कलर में एंड इसके फिंस भी आप देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा बढ़िया है, और यह है भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी देख सकते हो भाई। और इसका रेट मुझे 500 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिला, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी था जिसकी वजह से मैं एक ही लाया। बट इन फ्यूचर हम अगर एक और भी लाएंगे तो हम ऑरेंज कलर में लाएंगे इसी तरह का। और ये रहे साथ में हमारे छोटे छोटे से दो टिन फॉइल बाब, और इस बार मैं लाया हूँ एल्बिनो टिन फॉइल बाब। तो आपको पकड़ के दिखाता हूँ भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है आपको यहाँ पे भाई, यार ये रुकते भी नहीं है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने ज़्यादा सुंदर फिश हैं ये। तो अब ज़रा चेक करें भाई इसकी आइज़, आप देख सकते हो इसकी शेड जो आ रही है पिंकिश कलर की कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार भाई, देख सकते हो मतलब फिश लग रहा है बट अल्टीमेट फिश लग रहा है, देख सकते हो आप भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फिश लग रहा है मुझे। तो इसको छोड़ते हैं भाई अभी यहाँ पे एंड फर्स्ट हम निकालते हैं हमारे कोई फिश को, जो कि हमारा बटरफ्लाई कोई है, एंड देखते हैं इसको ये इस पॉन्ड के अंदर कितना अच्छा लगने वाला है।
तो चलिए जल्दी से इसको निकालते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम निकालते हैं हमारी बड़ी वाली कोई कापकोर। इसका साइज आप चेक कर सकते हैं, इसके स्केल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अब डालते हैं इसको पोंड के अंदर, और भाई पोंड के अंदर का आप व्यू देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। देख सकते हो भाई बिल्कुल परी की तरह दिख रही है ये फिश। तो देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारी फिश है ये। तो है भी काफ़ी ज़्यादा महंगी, बट 500 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। आप बता सकते हो मुझे कि आपके नियर बाय कितना रेट देते हैं फिश वाले। वैसे यार इसका 500 रुपीज़ तो लाजमी है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही है हर फिश है हमारी। और ये रहे भाई हमारे टिन फॉइल बाप, तो इनको भी निकालते हैं भाई बाहर। छोटे से कैद खाने से अब बड़े वाले पोंड के अंदर जाने वाले हैं हमारे लकी फिश। इनकी भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। अब तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये बड़े हो जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिखेंगे। अभी आप देख सकते हो साइज़ यहाँ कहाँ है यार, हमारा पुराना वाला कितना ज़्यादा बड़ा है और हमारा न्यू वाला आप देख सकते हो तो सेम साइज़ का मैं लाया था, बट ये इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये भी इतने ज़्यादा बड़े हो ही जाएंगे। तो बाकी आपको हमारे फ़िश कैसे लगे आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर से बताना है। एंड साथ में आप हमें न्यू फ़िश के बारे में सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो बाकी आपको कैसी लगी फिश ज़रूर से बताएं। तो फिर चलिए यहीं पे करते हैं हमारे इस छोटे से वीडियो को एंड। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।